केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दमोह पुलिस का बायकॉट कर दिया है। उन्होंने कहा कि दमोह पुलिस ने उनके कार्यकर्ता पर बगैर जांच के मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए न्याय मिलने तक दमोह पुलिस के किसी भी कर्मचारी की सेवाएं नहीं लूंगा। दमोह में राशन दुकान के सेल्समैन विक्रम उर्फ विक्की रोहित का शव फंदे से लटका मिला था। उसके शव के पास से दो पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें विक्रम ने भाजपा पार्षद और नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि यशपाल ठाकुर सहित अन्य पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई की। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नाराज हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नौजवान ने आत्महत्या की, उसकी मौत पर मैंने संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन जो झूठे मुकदमे लगाकर या लगवाकर दबाव बनाना चाहते हैं वो कान खुलकर सुन लें, उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जो दमोह की पुलिस ने किया है, मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी है। जब तक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच न हो जाए, पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं दमोह एसपी की इस कार्रवाई के खिलाफ हूँ। यशपाल ठाकुर मेरे कार्यकर्ता हैं, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। उस सुसाइड नोट में तो मेरा नाम भी लिखा है, फिर मुकदमा मुझ पर भी दर्ज होना चाहिए, इसलिए हर कीमत पर मैं अपने लोगों के साथ हूँ। एक नौजवान ने आत्महत्या की, एक जवान कोई लड़का किसी परिवार का गया, तो मैंने पहले ही कहा था कि संवेदना पूरी तरह से है, लेकिन जो लोग झूठे मुकदमे लगाकर या लगवाकर दबाव बनाना चाहते हैं वो कान खोलकर सुन लें कि उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और जो दमोह की पुलिस ने किया है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी है। जब तक हैंडराइटिंग की एक्सपर्ट से हैंडराइटिंग की जांच ना हो जाए, पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं निजी तौर पर मानता हूं कि ये बिल्कुल जल्दबाजी में किया गया फैसला है। मैं पुलिस अधीक्षक के खिलाफ, इस कार्रवाई के खिलाफ हूँ, और मैं इसके लिए हर कीमत पर, मेरे कार्यकर्ता हैं यशपाल, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन बाकी और भी लोग हैं जिनके नाम उसमें लिखे हैं, फिर तो उसमें मेरा भी नाम है, फिर मुझ पर भी मुकदमा लगना चाहिए। और इसलिए मैं हर कीमत पर उनके साथ हूँ। मैंने कहा था कि बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने जो जल्दबाजी की है, मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। और जब तक इन सबको न्याय नहीं मिलेगा, मैं दमोह पुलिस की कोई सेवाएं नहीं लूंगा, और आज से ही मैं उन सबको वापस करूंगा। मेरी जो निजी सुरक्षा है, उसके अलावा दमोह पुलिस का कोई भी कर्मचारी मेरे बंगले पर या मेरे साथ नहीं होगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।